गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये कि एग्ज़ाम्स के चक्कर में हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तो किए नहीं और हम पहुंच गए फोर्थ चैप्टर पे कहानी सुनने के लिए। ठीक है, तो इट्स ओके, हमने फोर्थ चैप्टर की कहानी पढ़ ली है, नॉट बैड। बट अभी हम थर्ड चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और हार्डवर्क्स और क्वेश्चन आंसर्स कम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक बार हम छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इस स्टोरी का। हमने क्या पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, लविंग योर नेबर्स, मतलब हम हमारे जो पड़ोस में रहते हैं लोग बाग, हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं जो कि हमारे नेबर्स कहलाते हैं, उनसे हमारा एक हम उनको लाइक करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं लविंग ऑफ द नेबर्स। ठीक है, इसमें हमने पक्षियों की कहानी पढ़ी थी, जो छोटे छोटे बर्ड्स थे। एक 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 चिड़िया थी जिसका नाम था चिया, और उसके जो छोटे छोटे चिक्स थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे। और एक दिन क्या हुआ था कि बहुत ज़ोर से आंधी चली थी, बहुत ज़ोर से हवा आई थी, तो उसके पास उसकी एक नेबर रहती थी और उसके भी दो छोटे छोटे बच्चे थे, और जो नेबर थी उसका घर कितनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया था, याद है ना। तो फिर वो जल्दी से जब घबरा कर चिया के पास आई थी, और चिया ने क्या कहा था, उसने उसकी बहुत सारी हेल्प की थी, है ना। और जब चिया का नेस्ट भी छोटा सा था, उसके नेस्ट में इतनी जगह नहीं थी कि चार चार चिक्स आ सके, उसके पास तो दो ही चिक्स की जगह थी, बट इट्स ओके। चिया ने क्या किया था, चिया ने अपनी नेबर के छोटे छोटे बच्चों को अपने नेस्ट में रखा, तो चारों छोटे छोटे बच्चे नेस्ट में थे, और दोनों बड़ी बड़ी मम्मा जो थी वो बाहर पूरी रात बैठ कर उन्होंने वेट किया, किस बात के लिए कि कब ये आंधी तूफान ख़त्म होगा और कब वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ था, जब पूरी की पूरी रात गुजर गई, जब पूरी आंधी ख़त्म हो गई, तब सुबह सुबह चिया और उसकी जो फ्रेंड थी वो पूरे दिन उन दोनों ने बहुत मेहनत करके अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया और उनको ब्रेकफास्ट करा के उनको खाना वाना खिला के फिर पूरे दिन काम में लग गई थी। किस काम में, दोबारा से वो नेस्ट बनाने के लिए मैना का, है ना, जो कि ख़राब हो गया था आंधी के कारण। ठीक है, तो इस वाली स्टोरी से हमने क्या सीखा था कि जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो हमें हमारे नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। और देखो, नेबर्स हो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका कोई क्लासमेट हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वी शुड हेल्प देम, है ना। और इसलिए क्योंकि दिस इज़ नोन एज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं, ह्यूमैनिटी का मतलब बहुत बड़ा होता है, जब आप बड़े हो जाओगे तब समझोगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रॉब्लम में है, किसी को किसी चीज़ की नीड है, तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो कभी आपके किसी दोस्त की, या अगर आपका दोस्त ना भी हो, कभी आपकी क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, आप उसको जानते हो, तो अगर मान लो वो कभी पेंसिल लाना भूल जाए और मैडम से पिटाई लगने वाली हो, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, अगर आपके पास टू पेंसिल्स हैं तो करोगे ना, क्यों, बिकॉज यू आर अ गुड बॉय, आई नो दिस। ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी की हेल्प करोगे तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, फिर तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो फ्रेंड बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यू शुड बी हेल्पफुल, मतलब आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। और इससे एक और फ़ायदा होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कभी आप पेंसिल ले जाना भूल जाओ जल्दी जल्दी में, ठीक है, तो जब आप किसी की हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो ये सोचेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसने मेरी हेल्प की थी, तो आज इसको हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए, तब तो आपकी दोस्ती और पक्की हो जाएगी, है ना। तो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका क्लासमेट हो, चाहे आपका कोई नेबर हो, नेबर मीन्स जो पड़ोस में रहता है ना, तो किसी को भी अगर कोई नीड है, कोई ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसकी हेल्प अगर कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और आपको एक और बात बताऊं, आप तो बहुत सारी शॉपिंग करते हो, आपके मम्मी पापा तो आपको बहुत सारी शॉपिंग कराते हैं, पर कभी गरीब बच्चों को देखा है, उनके पास तो इतने कपड़े नहीं होते, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनको ले जाके शॉपिंग कराओगे या आपके नए नए कपड़े उनको दे दोगे ब्रांडेड, लेकिन अगर कोई आपका कपड़ा पुराना हो जाता है या आपका कोई टॉय पुराना हो जाता है, आप बोर हो गए उस टॉय से खेल के, तो आप किसी गरीब बच्चे को दे सकते हो, वो कितना खुश हो जाएगा। और दूसरी बात, कभी देखो जब कितनी सर्दी पड़ती है तो हम तो अपने कंबल से रजाई से बाहर भी नहीं निकलते, है ना, लेकिन वो गरीब बच्चों के पास तो स्वेटर ही नहीं होता है पहनने के लिए, तो अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो कितनी अच्छी बात है। और जो दूसरों की हेल्प करते हैं ना, भगवान जी उनसे बहुत खुश रहते हैं, और भगवान जी उनको ढेर सारी चीज़ें देते हैं, और क्या क्या देते हैं ये आपको बाद में बताऊंगी। और वैसे भी जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि भगवान जी जिन लोगों से खुश होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो
चलो ये चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, अभी हम फटाफट इसके हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं। तो कम विथ मी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ओपन योर कॉपीज एंड डू द वर्क। सो फर्स्ट विल बी हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इज L O V I N G, loving. Loving means, अच्छा सॉरी अभी तो हार्ड वर्ड्स ही लिखना है ना, ओके। सेकेंड इज, अगर थोड़े से मैंने हार्ड वर्ड्स लिखवा दिए हों क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो उसके आगे ये लिख लेना, ठीक है। और अगर रिपीट हो रहा हो कोई वर्ड तो दोबारा मत लिखना, ओके। लविंग N E I G H B O U R, neighbor. Third, C H I C K S, chicks. Fourth, C A L M, calm. Fifth is H-U-N-G-R-Y, hungry. And the sixth and the last one is S-A-F-E, safe. फटाफट नोट कर लो इसको। L-O-V-I-N-G, loving. N-A-I-G-H, B-O-U-R, neighbor. C-H-I-C-K, chick. एंड प्लूरल अगर हम देख रहे हैं तो हमने एस लगा दिया है, सी एच आई सी के एस, चिक्स, सी ए एल एम, काम, एच यू एन जी आर वाई, हंग्री, एंड एस ए एफ ई, सेफ। ओके, अब हम इसके फटाफट मीनिंग्स भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके वर्ड्स और यहाँ हो जाएंगे आपके मीनिंग्स, ठीक है। तो लविंग का मीनिंग क्या होता है? लविंग का मतलब होता है ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मीन्स होता है प्यारा, या हम इसको कह सकते हैं कि हम नेबर। सेकंड होता है नेबर, नेबर मींस जो आपके घर के पड़ोस में रहता हो, हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट डोर, एन ई एक्स टी नेक्स्ट डी डबल ओ आर, डोर। हिंदी में हम इसको कहते हैं पड़ोसी, ओके। थर्ड वन इज चिक्स, चिक्स को हम बोलते हैं वाई ओ यू एन जी ई एस टी ई आर, सॉरी यू जी एस ई नहीं लगाएंगे, वाई ओ यू एन जी एस टी ई आर एस, यंगस्टर्स। यंगस्टर्स मतलब होता है बच्चे। और जब हम किसी बर्ड की बात कर रहे हैं, चिड़िया की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं चूजे, लेकिन चूज़े इंसान के बच्चों को नहीं बोलते हैं, ठीक है। और चिक्स भी इंसान के बच्चों को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए ऐसे स्लैश लगा देंगे। काम, काम मतलब होता है बिल्कुल शांत, एकदम पीसफुल। जब बहुत आंधी चलती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं, उसके बाद फिर वो काम डाउन हो जाती है। ऐसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं? काम डाउन भाई, काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना, चिल। तो इसी तरह से काम का मतलब क्या होता है? शांत होना, पीसफुल, पी ई ए सी ई एफ यू एल। आप ऐसा करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे रहने दो, फिर आप चूजे ही लिख लो इसमें, नहीं तो बोलोगे मम्मी हम क्या आपके चूजे हैं। ये लीजिए, हमने चिक्स की बात की है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बोल रहे थे पीसफुल, पीसफुल का मतलब क्या हो जाता है? शांत। स्टिल भी कह सकते हैं हम इसको, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम
सिनोनिम कहते हैं, जैसे आप हिंदी में भी देखते हो ना एक वर्ड के जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से काम को हम पीसफुल भी कह सकते हैं, स्टिल भी कह सकते हैं, बट पीसफुल ठीक है और शांत ठीक है। नेक्स्ट लिख लो इसमें, फिफ्थ वन इज क्या लिखा था हमने, हंग्री, एच यू एन जी आर वाई, हंग्री। हंग्री मीन्स क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्विंग, एस टी ए आर वी आई एन जी। स्टार्विंग का मतलब होता है जिसको भूख लगी हो, मतलब भूखा। ओके, और लास्ट एक और लिखना था, वो इधर ही लिख देती हूँ नीचे, बिल्कुल दिखेगा। सिक्स्थ, एस ए एफ ई, सेफ। सेफ मतलब होता है कोई चीज़ सुरक्षित होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जी ए यू आर डी ई डी, गार्डेड। गार्डेड का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। अभी आप कोरोना चल रहा है और आप घर में अंदर रहते हो, स्कूल नहीं आते हो, तो आप सेफ हो, यू आर गार्डेड, दैट मीन्स यू आर सुरक्षित ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी घर से बाहर जाते हो मास्क लगा के या सैनिटाइजर से हाथ धोते हो तो भी वो सुरक्षित, पर एक बार ध्यान रखना, सैनिटाइजर से हाथ धोते हो इट्स ओके, लेकिन सैनिटाइजर से बेटर है कि साबुन से और पानी से हाथ धो, बिकॉज सैनिटाइज़र में केमिकल्स होते हैं और आप अभी बहुत छोटे हो, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ठीक है। तो ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ कर लो, बट फाइनली साबुन से हाथ धो लेना ठीक है। तो ये लिख लो फटाफट वर्ड मीनिंग्स, आई एम रिपीटिंग, लविंग। लविंग का मीन्स होता है अफेक्शनेट, ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी ई। अफेक्शनेट मतलब हम जब किसी से प्यार करते हैं ठीक है, हम जब किसी की देखभाल करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि लविंग या अफेक्शनेट। सेकेंड इज एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, नेबर। नेबर को हम नेक्स्ट डोर कहते हैं, नियरेस्ट भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बट आपके लिए भी एक ही काफ़ी है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं पड़ोसी। चिक्स मतलब यंगस्टर्स, यंगस्टर्स मतलब बच्चे, चूजे। जब हम चिड़िया की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हम चूजे बोलेंगे ठीक। काम, सी ए एल एम, काम। काम मीन्स होता है पीसफुल, शांत। एच यू एन जी आर वाई, हंग्री। हंग्री मीन्स स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स भूखा। एस ए एफ ई, सेफ। सेफ मीन्स गार्डेड, गार्डेड मीन्स सुरक्षित। गेटिंग, लिख लिया, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज करने पे। एक्सरसाइज में पहले हम जाएंगे क्विक रीकैप पे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड चिया एंड हर चिक्स लिव। तो कहाँ रहते थे चिया और उसके जो चिक्स थे वो कहाँ रहते थे, एक बिग ट्री के ऊपर रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उन्हीं पे तो नेस्ट बनाएंगे। छोटा सा प्लांट तो खुद ही इतना सॉफ्ट होता है, अगर उस पर कोई नेस्ट बनाएगा तो वो तो नेस्ट उसका गिर ही जाएगा है ना। तो आ जाओ फटाफट हम लिखते हैं अभी क्विक रीकैप। पेज नंबर 1313, इसमें फर्स्ट आंसर क्वेश्चन आपको बुक में से मिल जाएगा। फर्स्ट आंसर में हम क्या लिखेंगे, चिया एंड हर चिक्स, सी एच आई सी के एस, चिक्स lived on a big tree. ठीक है, चिया और उसके जो चिक्स थे वो कहाँ रहते थे, एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहते थे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज मैना। तो हेयर इज द आंसर, आपको पता है ना मैना कौन थी, मैना उसकी नेबर थी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें,
मैना। अच्छा एक बात सुनो, जब भी किसी का नाम लिखते हैं या सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वो वर्ड लिखते हैं तो सब बच्चे कैपिटल लेटर बनाओगे, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखा करो कि कहाँ फुल स्टॉप लगाया है मैंने, कहाँ कॉमा लगाया है मैंने, एकदम एक बार जैसे कथा मत लिखा करो, ठीक है, बिकॉज जब आप बड़े हो जाओगे तो इसके भी मार्क्स कटते हैं, ठीक। तो चलिए अभी हम लिखेंगे, हु वॉज मैना, मैना वॉज चियाज। अब चिया भी एक का नाम है एक चिड़िया का, तो उसको सी कैपिटल करना और यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा के अपोस्ट्रॉफी एस। चियाज नेबर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर। गेटिंग आंसर नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं, हाउ डिड चिया हेल्प मैना लाइक अ गुड नेबर। अच्छा तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह चिया ने कैसे हेल्प की थी मैना को, बोलो तो लिख लेते हैं। ऐसे हम लिखेंगे इसको, चिया सी एच आई ए चिया हेल्प्ड मैना बाय, या फिर ऐसा कर दो आप छोटे छोटे बच्चे हो इतना टफ कैसे याद करोगे, अपन इसको छोटा सा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। चिया कॉल्ड मैनास चिक्स इनसाइड हर नेस्ट एंड हेल्प मैना टू brought mango for them। थोड़ा तो बड़ा है ये आंसर क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा है। चिया कॉल्ड मैनास चिक्स इनसाइड हर नेस्ट। चिया ने क्या किया था, मैना के छोटे छोटे बच्चों को अपने नेस्ट के अंदर बुला लिया था और सुबह जब आंधी चलना बहुत तेज हवाएं चलना बंद हो गई थी तो क्या किया था, वो दूर उड़ कर गई थी और वो मीठा मीठा सा एक आम सब बच्चों के लिए लेकर आई थी। तो चिया के जो बच्चे थे उन्होंने भी खाया था और मैना के जो बच्चे थे उन्होंने भी खाया था, है ना। तो इस तरीके से चिया ने मैना की हेल्प की थी और फिर मैना क्या कर रही थी, पूरे दिन बहुत सारा हार्ड वर्क करके बहुत सारी मेहनत करके उसने तो नया नेस्ट बनाया था, लेकिन मैना ये जानती थी कि चिया के नेस्ट में उसके छोटे छोटे से बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, है ना। तो हमने देखा चिया कॉल्ड मैना चिक्स इनसाइड हर नेस्ट एंड ब्रॉट मैंगो फॉर देम। बस इस तरीके से आप लिख लो फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस को, इस तरीके से हमारा क्विक रिकैप कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके देन टुमारो वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज। अब हम कल एक्सरसाइज करेंगे ट्रू फॉल्स और जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं कॉपी में बुक में, और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल गो फॉर द फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो उसकी कहानी तो हमने सुनी ली है, हम उसके भी क्वेश्चन आंसर हार्डवर्क करेंगे। तो फटाफट ये काम कंप्लीट कर लेना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और जो मैंने बताया है जहाँ पे कैपिटल वर्ड बनेगा वहाँ कैपिटल बनाओगे, ठीक है। ओके देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।